नया साल शुरू होते ही स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से बड़ी खुशखबरी 100 इंडेक्स 44,000 की सतह को अबूर कर गया। यकम जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1018 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुख्तसर अरसे के दौरान स्टॉक मार्केट ने अब तरक्की का सफर शुरू कर दिया है। हफ्ते के आगाज में दो तजारती सेशन के दौरान कारकर्दगी मुनासिब रही, ताहम जैसे ही साल बदला तो 100 इंडेक्स में हफ्ते के आखिरी सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 1000 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 44,343 की सतह पर बंद हुआ। 2021 के पहले तजारती इजलास में सरमाकारों ने अपने जज्बात में बेहतरी का इजहार किया, जिसके बाद मुल्क के माशी हालात और तरक्याती माशी अदादोशुमार में बेहतरी नजर आना शुरू हो गई, जिसने तेजी की रफ्तार में इंडेक्स को ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया। तेल की बैन अक्वामी कीमतों में इजाफे के साथ आलमी इक्विटी मंडियों में तेजी के इजाफे के बाद पीर को 100 इंडेक्स ऊपर की जानेब सफर करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से हाल ही में बरतानिया में कोरोना वायरस के नए वायरस की नई किस्म के इंकशाफ के बाद मंगल के रोज यूरोपीय मालिक से आने वाली सरमाकारी की कमी देखी गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 392 पॉइंट की कमी के साथ मंगल के रोज बंद हुआ। ड्रामाई अंदाज में रद्दोबदल के साथ दर्जेल तीन सेशन यानी बुध, जुमेरात और जुम्मे में सरमाकारों ने दिल खोलकर सरमाकारी की और नए साल के साथ उम्मीदों का इजहार किया। 2021 को एक जोशो खरोश का इस्तकबाल दिया और बुध के रोज दोबारा से मंडी में तेजी देखने में आई, जिसके बाद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, बैंक, तेल और गैस की मार्केटिंग कंपनियों के असासों में वाजे इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 44,000 की सतह को अबूर कर गया। 2020 का आखिरी तजारती इजलास जुमेरात को हुआ, जो कि उतार चढ़ाव के साथ आखिरकार बंद हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर रुझान मस्बत रहा और इंडेक्स 61 पॉइंट की सुस्त फायदे के साथ बंद हुआ, लेकिन जुमे के रोज 100 इंडेक्स 44,000 की सतह को अबूर कर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि नया साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेशुमार